फ्रेंड्स, आज आपके सामने ये मैं घातांक लेकर के आया हूँ। अगर आप घातांक को नहीं समझते हैं ना, तो पक्का आप समझ जाएंगे आज आप घातांक। ठीक है, हम इसको इंग्लिश में इंडिसीज बोलते हैं या इंडिक्स बोलते हैं, कोई जो भी जो बोलता हो। आपको घातांक समझाने से यहाँ पर हमें मतलब है, और ऐसे समझाएंगे ना पक्का आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें, उसका नियम बताएंगे, उसके सूत्र जो है हमारे वो बताएंगे, और इसके उदाहरण भी बताएंगे। देखिए नियम जो है हमारे करीब 5-6 नियम इसके लगभग पड़ेंगे, सूत्र भी करीब आपके 8 या 10 जो भी पड़ेंगे, मान के चलिए 8 सूत्र हम मान के चल रहे हैं, तो सूत्र भी, बाकी एग्जाम्पल तो सभी के बताना पड़ेगा। इतनी चीजें आपको और सभी बेसिक कॉन्सेप्ट पर होंगे, एकदम कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, यानी सूत्र आपको ज्यादा दिमाग में बैठाना नहीं पड़ेगा, बस आपका हवा हवा हो जाएगा। तो यहाँ पर सारी चीजें ध्यान में रखते हुए चलेंगे। पहले हम चलते हैं इसके घातांक पर, घातांक की परिभाषा पर चलते हैं। घातांक आखिर क्या है? घातांक मतलब ये होता है, घातांक मतलब ये होता है कि कोई, उस समान अर्थ ये है कि कोई संख्या हो, मान लीजिए कोई भी संख्या हो, क्या है संख्या, आपका कोई संख्या है कि ठीक है, ये जो संख्या दिख रही है, इस संख्या के ऊपर, इस संख्या के ऊपर, संख्या के ऊपर, संख्या के ऊपर संख्या, संख्या के ऊपर संख्या, संख्या के ऊपर संख्या दिखे, संख्या के ऊपर संख्या जो दिख रही है, यानी ये वाली संख्या जो दिखे वो घात के रूप में होगी। किस रूप में? घात के रूप में होगी, और ये संख्या जो है उसका गुणा होगा उतनी बार, उतनी बार इस संख्या का क्या होगा, गुणा होगा, क्या होगा, इस संख्या का गुणा होगा। ठीक है, घात गुणा होगा, घात जितना, घात जितना, ठीक है। तो हमारा क्या निकल कर आएगा, हमारा निकल के आएगा उसका हल, यानी कि उसका मान निकल करके आएगा जब उसको हम करेंगे, कुछ इस तरीके से चलेंगे, दिमाग बैठा लीजिए। घात कहने का मतलब कोई संख्या हो, मान लीजिए हमारी इस तरीके से एक संख्या है, और इसके ऊपर ऊपर हमारे कोई संख्या ये लग गई, यही हमारी घात है, यही हमारी क्या है, घात। और इसका जो मान निकल करके आएगा, ये हमारा उत्तर होगा उसका। तो ये चीजें आपको समझ में आनी है। और एक बात है कि यहाँ पर कोई ना कोई हमारी एक वास्तविक संख्या होगी, हमारी कोई ना कोई एक संख्या होगी, संख्या क्लियर नहीं है, तो मान लीजिए वो हमारी संख्या क्या हो, मान लीजिए वो ए है, क्या है, ये है। अगर यहाँ पर ए को हम क्या करें, एक बार और गुणा करें इसी संख्या से, फिर एक बार आप गुणा करो, फिर एक बार गुणा करो, फिर एक बार गुणा करो, फिर एक बार गुणा, ऐसे 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 आप अनेकों बार जितनी भी मर्तबा उतनी गुणा करो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, मतलब जितनी बार आप यहाँ पर गुणा कर रहे हैं इस संख्या का, गुणे ए को आप जितनी बार कर रहे हैं वही, यानी कि आपको ए कितनी बार गुणा कर रहे हैं, एन बार कर रहे हैं, एन का मतलब आप समझिए एन बार कर रहे हैं, कितनी बार कर रहे हैं, एन बार, एन बार का मतलब हुआ, एन का मतलब होता है संख्या, कितनी भी संख्या पे करें, मतलब दो बार करें दो, तीन बार करें तीन, चार बार, एन का मतलब हो गया कोई भी संख्या, एन बार करें, तो हमारा इसका मतलब इसका आंसर जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ए का एन, ए का एन पावर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब आप बात को समझ गए होंगे कि ये जो आंसर निकल करके आया है यहाँ पर ऐसा होगा, ठीक है, मतलब जितनी बार गुणा किए हैं किसी संख्या का वही हमारा घात होता है, जितनी बार गुणा किए हैं वही हमारा घात होता है। हमारी समझ से आप समझ गए होंगे कि 3 × 3 × 3 लिखे हैं और 3 लिखे हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर हम निकालने लगेंगे, 3 का घात 1, 2, 3, 4 बार, 3 हमारा कितनी बार है, 4 बार, और यही मैं जो 4 बार है ना, यही हमारा घात है, यानी कि यही हमारे घातांक के नियम पर काम करेगा। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आधार होता है, ये जो हमारा ए है ये क्या होता है, हमारा आधार होता है, ठीक है, ये हमारा आधार होता है, जिसको हम बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पर जो यन दिख रहा है, यहाँ पर जो यन दिख रहा है, यही हमारा घातांक होगा, यही हमारा घातांक होगा, जिसको हम इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स, ये, ठीक। ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए, और सेम यही चीजें हैं आपके लिए। तो घातांक हमारा काम हो गया है, बस हमें समझना है, तो केवल इसके नियम को समझना है, हमें इसके नियम को समझना है। नियम नंबर एक, हम नियम नंबर एक पर चलते हैं, रूल नंबर एक, ठीक है, नियम वन पर चलते हैं, किस पर, नियम वन पर चलते हैं। नियम वन हमारा क्या है, नियम वन हमारा ये है कि जब कभी भी कोई भी मतलब संख्या है वहां पर आपका घात जीरो आ जाए, कोई भी संख्या उसकी घात क्या आ जाए, जीरो आ जाए, क्या आ जाए, जब आपकी घात, जब घात शून्य हो,
तो उसका मान एक होगा ठीक। ये हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या आ रही है उसका घात 0 हो। यहां पर हम ले रहे हैं ए की घात 0, तो इसका मान आएगा 1। उदाहरण के लिए अगर हम समझें, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखते हैं, तो हमारा यहाँ पर 5 की घात 0 है, इसका मतलब इसका आंसर आएगा 1। यहाँ पर हमारा 3 की घात 0 है, तो इसका भी मतलब उत्तर आएगा 1। किसी की घात हमारी अगर 0 है तो हमारा आंसर आएगा 1। याद रखना, आपके चाहे साइंस में मिले, चाहे आपके मैथ्स में मिले, कहीं पर आपको मिल रहा है, आपको कहीं पर मिल रहा है ना, तो हर एक जगह आपका जो पावर ये लग रही है, ये जो घात में दिख रहा है 0 हो ना, तो समझ लो उसका आंसर 1 आएगा। यानी 120 की घात अगर आपका यहाँ पर 0 आ गया, तो उसका मान 1 ही आएगा। ये पहला नियम क्लियर हो गया। हम बढ़ते हैं दूसरे नियम पर, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 ठीक, नियम नंबर 2 क्या है? तो नियम नंबर 2 में आपका ये है कि आपका कुछ इस तरीके से फार्मूला हो। यदि देखिए इस तरीके से, ये जो ए है इसकी पावर अगर एम में है, जैसे ए की पावर एम है माइनस में, मतलब अब ये एम जो है कोई भी आपको मिल रहा है इस तरीके से, जो ए है उसकी पावर एम मिल रही है, इसको आप दूसरे तरीके से ये समझ सकते हैं कि ये जो ए की पावर एम है इसको आप प्लस में लिखेंगे तो नीचे लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे तो नीचे लिखेंगे। हमारे कहने का मतलब जब हमारा माइनस में पावर हो, पावर हमारी किस में हो, माइनस में, ये जो घात हो हमारी वो माइनस में हो, मतलब वो धनात्मक में ना हो कि ऋणात्मक में हो, तो वो उस स्थान को चेंज कर देती है। यानी अंश में रहेगी तो हर में हो जाएगी, हर में रहेगी तो अंश में हो जाएगी। बात सीधी है कि अगर वो माइनस में पावर है तो वो हर में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी? हर में। एग्जाम्पल अगर हम समझते हैं तो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है। देखिए यहाँ पर हमारा लिखा है 2 की पावर -3, इसका मतलब है यहाँ पर 1/2 की पावर 3, इस तरीके से ठीक है। सेम ऐसे ही अगर हम करें कि यहाँ पर हमारा 4 की पावर -2, 4 की पावर -2, इसका मतलब 4 की पावर 2 ये है। अब इसको हल करना हो तो 2 को 3 बार करिए, 2 को 3 बार का मतलब ही हुआ ये वाला रूल, ये यहाँ पर इतना कंडीशन ठीक है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसका आंसर जो हमारा आएगा कि 3 को हम 4, 3 त्रिक 9, 3 27, 3 समझते हैं, इसका गुणा 3 बार पढ़ो, जो आए उसका फिर 3 बार करो, फिर जो आए उसका 3 बार करो, तो इसका आंसर आ जाएगा ठीक है। इस तरीके से अगर हम करेंगे तो आराम से हो जाएगा कि 3 3 3 बार 3 बार 3 3 9, फिर 9 को 9, 3 27, फिर 27 3 बार पढ़े तो 81, कितना आंसर आ जाएगा हमारा 81। ये होता है हमारा मान, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा मान होता है, और हमारा घात रूप होता है। ये कौन सा रूप होता है? ये हमारा घात रूप होता है, ये हमारा मान रूप होता है। ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको सवाल में डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर सारी पॉइंट्स क्लियर कर दे रहा हूँ, ऐसा कोई चीज ना बचे कि आपको फंसा दे। यहाँ पर ये हमारे 2 की घात 3 है, इसका मतलब अगर इसको हम डिटेल करेंगे ना तो पता है कि आपको कितना आ जाएगा। डिटेल करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा, 1 2 की पावर 1, 3 बार है ना, तो 3 बार करो, 3 बार हमने कर दिया। अब 3 बार का मतलब है 2 दूना 4 दूना 8, मतलब 8 आ गया आंसर, हो गया। ऐसे करना होगा इसका, लेकिन इसको अभी हम यहाँ पर रख कर देते हैं, हमें केवल रूल देखना है। तो रूल नंबर 3, नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 ठीक, नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 में क्या है, बस इसमें सूत्र ही होंगे, बस और कुछ है नहीं ठीक है, याद रखना। तो हम चलते हैं, आपका ये वाला सूत्र हो गया, उसके बाद हमारा ये वाला सूत्र देखिए। यहां पर अगर हमारा ए की पावर एम है, माइनस में ना होकर के प्लस में है, और गुणा में आपका एक ए की घात और है एन में है। बात ये समझ में आ रही है कि ये ए है, बेस हमारा सेम है, मतलब संख्या हमारी वही है, ए जो यहाँ पर है यहाँ पर, अगर यहाँ 2 होगा तो यहीं पर भी 2, लेकिन घात देख रहे हैं यहाँ में है, नहीं मतलब घात दूसरा दूसरा है, तो इसका आंसर इस तरीके से होगा कि आप ए की पावर को एम प्लस एन में लिख देंगे, एम प्लस एन में। बात ये समझ में आनी चाहिए, जब ये बेस बराबर हो और गुणा में हो तो यहाँ जोड़ हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आप भाग हो तो यहाँ घटाना हो जाएगा, ये चीज समझ लेंगे। दोनों को हम एक साथ समझाते चलते हैं। यहाँ पर अगला जो रूल होगा इस तरीके से होगा, एम भाग एन, इस तरीके से इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा रूप आपका इसका ये है
की पावर एम बटा ए की पावर एन, यही चीज ही है, ये दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम ही एक ही चीज है। इसका जो हमारा परिवर्तन रूप आएगा ए की पावर एम माइनस एन आएगा, एम माइनस एन आएगा, ठीक है। ये दोनों सेम ही चीज है, इसका आंसर ये। तो दोनों को हम एक साथ लेके चल रहे हैं, मतलब आप बात समझ लीजिए, जब हमारा इसमें बेस बराबर होना चाहिए, आधार आपका बराबर है, जब बराबर आधार हो ना तो आपको कुछ नहीं करना है। आपका यही एग्जाम्पल जो है मैं यहाँ पर कर देता हूँ, देखिए एग्जाम्पल मैं कर देता हूं यहाँ पर, एग्जाम्पल इस तरीके से होगा। यहाँ पर मैंने बोला कि यहाँ पर 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है, और गुणा में 2 की पावर 3 है, इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 3, यानी कि आ जाएगा 2 की पावर 4 3 7, इस तरीके से। बात समझ में आई? ऐसे आपका यहाँ पर अगर 3 की पावर, मैं एक आंसर अगर और लिखूं यहाँ पर, मैं लिख के दिखा दूंगा ऐसे ही, यहाँ पर जैसे 3 की पावर 2 है गुणा 3 की पावर 4 है, तो हम यहाँ पर 3 की पावर क्या करेंगे, 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 और बराबर 3 की पावर 6 हो जाएगा, इस तरीके से आपके होंगे। मतलब हमारा गुणा वाली घात जुड़ जाएगी, गुणा वाली घात जुड़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम इसका आंसर लिखें, तो इसमें भी सेम वही है कि आपका अगर कोई भी आंसर, मान लीजिए यहाँ पर 2 की पावर 4 आ गया और गुणा 2 की, गुणा की जगह भाग आ गया, गुणा की जगह आपका भाग आ जाए, इस तरीके से आ जाए, मतलब इस तरीके से 2 की पावर 3 इस तरीके से आ जा रहा है। 3 क्या, मैं यहाँ पर 2 ही लिख दूँ, ये 5 लिख दूँ, ये 2 2 लिख दूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, भाग है, यहाँ पर क्या है, भाग है, भाग है ना। तो इसको चाहे ये रूप लिखा हो चाहे ये रूप लिखा हो, दोनों में से कोई रूप हो तो ये इसमें बदलेगा, मतलब ए की पावर हमारा, सॉरी इस संख्या, वो पावर जो होगी घट जाएगी, वो पावर क्या होगी, घट जाएगी। यहाँ पर हम पावर को घटा देंगे तो 2 की पावर में क्या आ जाएगा, 3, 5 में से 2 चला जाएगा तो 3। अब बाकी ये सारी चीजें कर सकते हैं, ये तो आपका इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये होना चाहिए, ऐसी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। और जो हमारा अगला रूल होगा, मतलब इसको आप समझ गए, ये चीज आपका इस तरीके से भी हो सकता था, मतलब अगर आप समझे तो ये चीज इस तरीके से भी हो सकता था, 2 की घात 5 बटा 2 की घात 2, मतलब ऊपर नीचे भी हो सकता, तब भी यही होता, 2 की घात -5 बटा 2 और 2 की घात आपका 3, मतलब ये चाहे इस तरीके से चाहे इस तरीके से, ये चीज समझ के रखना। नियम नंबर 4, नियम नंबर आपका 4 यहाँ पर लिखें कि यहाँ पर लिखें, ये चीज आपको देखना है कि यहाँ पर हम लिखें कि यहाँ पर लिखें। एक दो सॉरी, हर नियम नंबर 4 हो गया है, नियम नंबर 4 हो गया है, 5 है, नियम नंबर 5 होना चाहिए, नियम नंबर 5 यहाँ पर, नियम नंबर 5, ठीक। नियम नंबर 5 में हम देखिए क्या करते हैं, ये नियम नंबर 5 में कुछ भी नहीं है कि मतलब आपको जो एक ए होगा इसकी कोई भी घात हो, मान लीजिए इसकी घात एम है और ब्रेकट के बाद इसकी घात एन है, मतलब ब्रेकट के बाद इसकी कोई घात है, तो ये क्या होगा, ए की पावर जो ये दोनों घाते हैं, ये दोनों घाते गुणा में हो जाएंगे, यहाँ पर इसके बीच में गुणा है, कुछ इस तरीके से होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो इस तरीके से एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 5 की पावर 2 है यहाँ पर और बाहर से यहाँ पर 3 है, तो ये 5 की पावर क्या हो जाएगी, 2 तिहा 6, 2 तिहा 6, मतलब इसका यहाँ पर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुणा 3, ठीक, 2 गुणा 3, बात समझ में आई। और इस तरीके से ये हो जाएगा कितना, 5 की घात 2 तिहा 6, ठीक, इस तरीके से हो जाएगा, बात समझ में आई। ओके, यहां पर अगर घात, मतलब ब्रेकेट के अंदर कोई घात है, ब्रेकेट के बाहर कोई घात है, तो इन जो घातों घातों के अंदर दोनों का गुणा हो जाएगा, बस यही कर देना। ये 5 रूल हो गया, छठा रूल जो होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक से समझिएगा। आपका नियम छह जो है आपका कुछ थोड़ा सा हार्ड होता है। अगर आपका कभी कभी एक ही घात हो ना, वो एम बटा एन हो, एक ही पंखात, ये घात आप बटा में हो, ये घात आपकी बटा में, कुछ भी हो बटा में, तब आपका किस तरीके से होगा, ये 2 3 तरीके से होगा। सबसे पहला बात, ये जो यन दिख रहा है ना, इसको आपको अंडर रूट के बाहर कर देना,
और बाकी ये ए की घात एम जो है, ए की घात एम को अंदर कर दें, एक तो काम ये होगा, एक तो काम ये होगा। दूसरा काम क्या है कि आपका ये जो है ए के अंडर रूट को हम एन क्यों करेंगे, और ब्रेकेट के बाहर, देखिए ये जो एन था इसको हमने ब्रेक वहां पर रखा और ब्रेकेट के बाहर एम को कर दिए, ये चीज हो गया। ठीक है, अगर हम इस पर हम कोई एग्जाम्पल अगर करें तो देखिए दिमाग में बैठाइए, मैं यहां पर क्या करता हूं, 125 की पावर, 125 की पावर अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं, चलिए इसी में कर देता हूं, नीले से ही कर, 2/3, 2/3, 125 पावर 2/3। अब हम क्या करते हैं, 125 को पहले करेंगे तोड़ेंगे, मतलब ये क्या है, ये क्यूब घात है, तो मैं इसका क्या करूंगा, पहले क्यूब निकालूंगा, 125 का मैं क्या करूंगा, क्यूब निकालूंगा, और क्यूब निकालने के बाद जो हमारा होगा ये वाली घात जो होगी ये हमारी बाहर चली गई। यहाँ इस फार्मूले को देख रहे हैं ना, इस फार्मूले को देख रहे हैं, ठीक, तो सेम ऐसे ही काम हो रहा है, दो में से एक फार्मूला यूज करना है, दो में से एक फार्मूला। ये जो नीचे है, दिमाग में हंस बैठेगी, ये जो नीचे है ये हमारा वर्गमूल में रहेगा, याद रखना ये हमारा वर्गमूल में रहेगा, मतलब यहाँ पर इसका वर्गमूल जितने रूट है, अगर दो घात है इसका 2 बार रूट होगा, 3 है तो उसका 3 बार रूट होगा, 4 है तो उसका 4 बार रूट होगा, परंतु ये रूट के ऊपर रहेगा जो यहाँ पर है, और जो यहाँ पर है पहले ये तो आपको घात में मिलेगी, चाहे यहाँ पर मिले चाहे यहाँ पर मिले, बात वही होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अब हम 125 को 3 बार करना है, 125 को हम क्या करेंगे, 3 बार करेंगे, तो आप खुद सोचिए कि 5 को हम अगर बदलेंगे, 5 5 25, 125 हो, तो ये इसका मतलब यहाँ पर 5 की घात कुछ इस तरीके से हुई, अंडर रूट, देखिए ऐसे में एकदम डिटेल में बता रहे हैं ताकि आपको, ये बाहर 2 है तो ये अंडर रूट 3 पावर, और ये क्या है, 5 की घात 3 बार, 5 की घात क्या है, 3, ठीक यहाँ पर, और इस ब्रेकेट के बाहर आपका 2 है। अब ये वर्ग घनमूल ये भी है, घनमूल ये भी है, तो हमारा क्या होगा, खत्म हो जाएगा कुल मिला करके, ठीक है, क्योंकि इसको हम 1/3 घात कहेंगे, इसको मतलब इस तरीके, देखिए ये 3 और इसमें गुणा करेंगे 1/3, अब 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, और इसके बाहर हमारा 2 है ही, तो मतलब यहाँ पर 5 आएगा और 5 की घात हमारा ये बाहर वाला, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा, और 5 5 25 आ जाएगा। ये थोड़ा लेंदी आपका होता मेरे समझाने के बाद, ये इतना बड़ा होगा, बाकी आपको समझ जाएगी तो कुछ भी नहीं होगा। अब इसमें के जो सूत्र होते हैं वो आपका कुछ अलग होगा, सूत्र जो होते हैं बहुत सारे सूत्र होते हैं कि आप समझ सकते हैं, मैं यहाँ पर सूत्र लिख देता हूँ, सभी का डिटेल तो बताना आपका संभव नहीं है, फिर भी कुछ सूत्र हम यहाँ पर आपके लिए बता देते हैं, ठीक है, मान लीजिए देखिए 2-3 हम बता दिए हैं, ये सारी जो बता दिए हैं इसको छोड़, ये सूत्र भी में भी काम, क्योंकि ये सूत्र ही है ये काम में आएंगे, कुछ एक्स्ट्रा हम बता देते हैं, ठीक है, यहाँ पर सूत्र एक्स्ट्रा में, ये 5 छोड़ करके, छा के बाद, ये छा के बाद, छा भी वो जो है ना वो सूत्र, वो भी छा के बाद जोर बन रहे हैं उनको हम यहाँ पर कर दे रहे हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है कि यदि ए की घात यहाँ पर एम है, बाहर से एन है, तो आपका ये वाला पावर, लेकिन इसके बाद भी आपका कोई पावर है, इसके बाद भी कोई पावर है, मान लीजिए यहाँ पर पी है, तो सभी घात 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 का गुणा होगा, घात घात का हमेशा गुणा हो, ऐसे मतलब ए की घात एम एन पी, ये हो जाएगा, ठीक, बात को समझ, एक चीज ये भी समझते रहना, ये चीज आपके लिए ये भी है। उसके बाद आपका ये कि ये होगा कि अगर ए बी सी ये तीनों संख्याएं एन के अंदर बंद है, तो इसका अधिकार इस पर है, इसका भी अधिकार इस पर है, इसका मतलब ये सब पर अधिकार है, तो हम इसको समझ सकते हैं ए की एन घात, बी की भी एन घात और सी की भी एन घात, ठीक, सेम इस तरीके से ये हो जाएगा। और बाकी आप जो और थे उसको तो आपने देखा ही, एक चीज अभी और बच रहा है, जैसे कि मान लीजिए ए की घात यहाँ पर एन है, ए की घात यहाँ पर एन है और इसका मतलब बी है, तब तो आपका क्या हो जाएगा कि ए जो निकलेगा, ए एन जो दिख रहा है ना, एन यहाँ पर तो कोई पावर है उस तरीके से दिख रहा है, तो ये हमारा इस तरीके से दिखेगा कि ए की पावर आपका 1/b हो जाएगा, 1/b, ठीक है, 1/b मतलब इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ फार्मूले एक्स्ट्रा हमारे और निकल करके आए, एक फार्मूला ये,
मतलब ये 7 नंबर हम मान सकते हैं, ये 8 नंबर मान सकते हैं, ये 9 नंबर मान सकते हैं, और ये सॉरी 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 वही है। तो हमारे ये हर रूल ये है, रूल को हम सूत्र में भी, यही सूत्र भी है, एक सूत्र आपका यहाँ पर है, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये और ये सूत्र भी है और रूल पर भी ये काम करेंगे। तो इतना बड़ा क्लास, इतना अच्छा क्लास अगर आपको मिले तो बताना कि हाँ मैंने बेसिक्स बताया, क्योंकि वो बताऊंगा डिटेल तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। घातांक के बाद हम सीधा पहुंचेंगे करड़ी पर, करड़ी हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, जरूर देखिएगा। और जो क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड सूत्र जो हम कैसे आपको याद नहीं करना होगा बस वैसे समझ ले, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, इन स्क्रीन पर मिल जाएगी वीडियो भी, उसको भी देख लेना। और साथ ही साथ हमारे सेकंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, जितने भी बच्चे यहाँ पर हमारे देख रहे हैं मेरे सेकंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है, सर्च करके सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं देखता हूँ कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, वहां से भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, अगर कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।